सलमान ने अपनी ही फिल्म का रिकॉर्ड तोड़कर एक नया इतिहास रच लिया था। जी हाँ दोस्तों, सब जानते हैं कि सलमान खान की बजरंगी भाईजान कितनी ज़्यादा सफल रही थी। इसका फर्स्ट वीक कलेक्शन बहुत ज़्यादा था और इसका ऑल टाइम कलेक्शन 900 करोड़ से भी ऊपर का था। लेकिन जब सलमान की सुल्तान फिल्म आई तो इसने फर्स्ट वीक कलेक्शन के मामले में बजरंगी भाईजान के भी रिकॉर्ड्स तोड़ कर रख दिए। जी हाँ दोस्तों, सुल्तान फिल्म का सिर्फ फर्स्ट वीक का कलेक्शन 228 करोड़ का था, जो कि बजरंगी भाईजान से 26 करोड़ रुपए ऊपर था। इसीलिए सुल्तान फिल्म ने बजरंगी भाईजान के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सुल्तान फिल्म को ईद के मौके पर रिलीज किया जाना था, जिसके लिए इसकी डेट सेट की गई थी 16 जुलाई 2016। लेकिन ईद की डेट शिफ्ट हो जाने पर इस फिल्म को उतनी कमाई तो नहीं मिली जितनी कि ईद के मौके पर रिलीज होने से इसे मिलनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरे दिन से ही इस फिल्म ने रफ्तार पकड़ ली और बहुत अच्छा कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पर। 2016 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के निशाने पर कई सारी मूवीज आई, जिसमें सबसे बड़ा नाम उड़ता पंजाब का आता है। इस फिल्म में 89 कट्स लगाए गए थे सेंसर बोर्ड के द्वारा, लेकिन सलमान खान के सुल्तान बिल्कुल क्लीन चिट लेके इस सेंसर बोर्ड से बाहर निकली। इस फिल्म में एक भी कट नहीं लगाए गए थे। यहाँ तक कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म की तारीफ भी की और इस फिल्म को UA सर्टिफिकेट भी दे दिया था। उड़ता पंजाब की कास्ट इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि इस फिल्म में 89 कट्स लगाए गए थे, तो जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ था इस फिल्म में। सेंसर बोर्ड का ये कहना था कि इस फिल्म में ड्रग कंजम्पशन, भद्दी गालियां और भद्दे लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से इतने सारे कट्स लगाना बहुत ही ज़रूरी था इस फिल्म में। लेकिन सलमान की फिल्म बिना किसी कट्स के बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के सामने प्रदर्शित हुई, तो हर कोई सलमान की तरह लकी थोड़ी ना होता है। सलमान हमेशा ही अपने ब्रदर इन लॉ आयुष शर्मा को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। और आपको बताएं कि सुल्तान फिल्म में भी उन्होंने आयुष शर्मा को असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करने का मौका दिया था। आपने देखा है उन्होंने फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन शुरुआती दौर में सलमान खान चाहते थे कि आयुष शर्मा फिल्म कैसे बनती है इसकी बारीकियों को समझे, इसीलिए एज अ स्टार्टिंग उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप से की थी। लेकिन सलमान भी उन्हें काफ़ी सारे टिप्स देते रहते थे और वो अफवाह गलत थी कि आयुष शर्मा इस फिल्म में रोल निभाने वाले हैं, वो इस क्रू का हिस्सा थे। और अब ये सुनने में आया है कि सुल्तान 2 में हमें आयुष शर्मा देखने को मिल सकते हैं। आप सलमान की इस आने वाली फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी होस्ट पंखुरी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।